अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो के है अबाउट CNS। CNS से पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसको आप कहते हैं ANS, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS और CNS एक दूसरे के टोटली डिफरेंट जो हैं चैप्टर्स हैं। ANS के अंदर जो मेडिसिन आपने पढ़ी थी वो डिफरेंट थी, और CNS के अंदर जो आप मेडिसिन पढ़ेंगे वो आप टोटली डिफरेंट पढ़ेंगे। इसी तरह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो भी आपने CNS के अलग डिफरेंट आप पढ़ेंगे, और जो ANS के थे वो हमने डिफरेंट पढ़े थे। सो CNS बेसिकली कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अब जो CNS है ये आपका ब्रेन है। अब आपको पता है ब्रेन की जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं। एक को आप कहते हैं ब्रेन की नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेन आपका नॉर्मल है। अगर ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है जी। इसी तरह से अगर ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी या परेशानी, या आप कह सकते हैं बेचैनी, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है उससे नीचे का लेवल है तो भी नुकसानदेह है, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि आपका दिमाग जो है वो काम करना थोड़ा कम कर गया है, दिमाग के सोचने समझने की सलाहियत कम हो गई है, तो इसको आप डिप्रेशन कहते हैं। अगर आपका दिमाग हाइपर एक्टिवेट हो जाए, नॉर्मल से अबव काम करना शुरू हो जाए, तो इसको आप एंग्जाइटी कहते हैं। दोनों ही कंडीशन, चाहे एंग्जाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो, दोनों ही कंडीशन जो है इसको डिजीज़ समझा जाता है, और इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो फिर डिफरेंट होती है। एंग्जाइटी हो तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ब्रेन को नॉर्मल की तरफ लेकर आएं, और अगर डिप्रेशन हो जाए तब भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम ब्रेन को नॉर्मल की तरफ लेकर आएं। CNS में बेसिकली जो आप ड्रग पढ़ेंगे वो दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक वो होती हैं जो कि आपके CNS को डिप्रेस करती हैं, यानी कि अगर आप एंग्जाइटी की कंडीशन में हैं, आपका दिमाग हाइपर एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो इस कंडीशन में इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं उनको आप कहते हैं CNS डिप्रेसेंट। ये दवाई आपकी आपको इस स्टेज से नॉर्मल की तरफ लेकर आती है। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया है जिसकी या जिसका जो ब्रेन है वो डिप्रेस हुआ हुआ है, जिसके सोचने समझने की सलाहियत कम हुई हुई है, दिमाग की जो एक्टिविटी है वो कम हुई हुई है, तो वो डिप्रेशन की कंडीशन में है। इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनको आप कहते हैं CNS स्टिमुलेंट, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको डिप्रेशन की कंडीशन से निकाल कर नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगी, उनको आप CNS स्टिमुलेंट कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि CNS की जो मेडिसिन होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को आप कहते हैं CNS डिप्रेसेंट, ठीक है जी। दूसरे को आप कहते हैं CNS स्टिमुलेंट्स, जो कि स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि जो आपके दिमाग को एक्टिव करेंगी नॉर्मल से थोड़ा सा, यानी अगर आप डिप्रेस हुए हुए हैं तो आपके दिमाग को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने में हेल्प आउट करेंगी। अगर देखा जाए तो CNS डिप्रेसेंट जो हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं दोनों तरह से, थेरापूटिकली भी और फार्माकोलॉजिकली भी। सो हम लिख सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है थेरापूटिकली भी और फार्माकोलॉजिकली भी, एंड फार्माकोलॉजिकली भी। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके वो पेशेंट होते हैं जो कि ज़्यादा एंग्जाइटी की कंडीशन में होते हैं। सो उन पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं उनको आप CNS डिप्रेसेंट कहते हैं। अब देखा जाए तो पिछले चैप्टर में हमने एक बार डिस्कस की थी कि ब्रेन में आप जो भी मेडिसिन खाते हैं, ब्रेन में क्योंकि न्यूरॉन्स होते हैं तो वो मेडिसिन जो है वो न्यूरॉन्स के साथ जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हम ब्रेन में दो तरह की चीज़ें पढ़ी थी हमने, दो तरह के वर्ड्स पढ़े थे। एक को आप कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स या प्री साइनेप्टिक वेजिकल्स, दूसरे को आप कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक वेजिकल्स। इनमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है जी। एक होता है प्री साइनेप्टिक, सेकेंड होता है पोस्ट साइनेप्टिक। जो आपके प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये बेसिकली वो जगह होती हैं ब्रेन के अंदर जहाँ पर आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं बॉडी के वो या तो प्रोड्यूस होते हैं या वो यहाँ पे स्टोर होते हैं और यहाँ से रिलीज़ होते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज़ होते हैं, इनको आप प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स भी कहते हैं, ठीक है जी।
जबकि आपकी वो लोकेशंस जहाँ पर आपकी ड्रग जाकर आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक या एक्टिवेट करती है, उनको आप पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं या पोस्ट साइनेप्टिक आप कह सकते हैं रिसेप्टर्स कहते हैं। इनका काम जो है वो रिसेप्टर से है, इनका काम है न्यूरो ट्रांसमीटर की प्रोडक्शन। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स वो जगह होती हैं ब्रेन के अंदर जहाँ पे या तो प्रोडक्शन होती है या फिर स्टोरेज होती है या फिर रिलीज होता है, किसका? न्यूरो ट्रांसमीटर्स का। अभी हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। इसे आप कहते हैं प्री साइनेप्टिक एरिया, जबकि जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक एरिया है ये वो लोकेशंस होती हैं या ये वो जगह होती हैं जहाँ पर आपकी ड्रग जाकर या तो ब्लॉक करती है आपके रिसेप्टर्स को या आपकी ड्रग जाकर रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, इसको आप पोस्ट साइनेप्टिक कहते हैं। जो स्टार्टिंग है डैट इज़ प्री साइनेप्टिक, और फाइनल जो लोकेशन है जहाँ पे जाके ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखाना है या रिसेप्टर को ब्लॉक करे या एक्टिवेट करे, डैट इज़ कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसके अलावा आपकी बात कर लेते हैं कि ब्रेन के न्यूरो CNS के न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं। हमने इससे पहले ANS के दो हिस्से पढ़े थे, एक हमने सिंपथेटिक सिस्टम पढ़ा था, एक हमने पैरासिंपथेटिक सिस्टम पढ़ा था। जब हमने सिंपथेटिक सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने न्यूरो ट्रांसमीटर्स पढ़े थे जिसमें एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, सीरोटोनिन ये चीज़ें आती हैं। जबकि जब हमने पैरासिंपथेटिक सिस्टम पढ़ा था तो उसका जो न्यूरो ट्रांसमीटर था उसको आप एसिटाइल कोलिन कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से जो ब्रेन है इसमें भी दो तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो कि आपके ब्रेन में जब रिलीज होते हैं तो आपके ब्रेन को एक्साइट करते हैं, उसको हाइपर एक्टिवेट करते हैं। दूसरे न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं कि जो जब बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तब उनको आप इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, यानी कि जब आप वो रिलीज होंगे तो वो आपके दिमाग को सुकून देंगे, आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत को कम करेंगे, डिप्रेस करेंगे। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि CNS न्यूरो ट्रांसमीटर दो तरह के हैं, एक है एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, दूसरे आपके पास आते हैं जनाब इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। एंड शो करता है आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक्साइटेटरी में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं और इनहिबिटरी में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। एक्साइटेटरी में जो न्यूरो ट्रांसमीटर आता है उसका नाम होता है ग्लूटामेट, ठीक है जी। आपसे वाइफ में पूछ सकते हैं कि एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम बताएं, डैट इज़ ग्लूटामेट। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होगा तो ये आपके ब्रेन को एक्साइट करेगा। एक्साइट से क्या मुराद है कि ये आपके ब्रेन को नॉर्मल से एंगजाइटी के अंदर लेके जाएगा, हाइपर एक्टिवेट करेगा आपको, आप कह सकते हैं मैनिक कंडीशन में लेके जाएगा। जबकि जो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है इसकी एग्जाम्पल में आता है गाबा। गाबा का पूरा नाम होता है गैमा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है जी। ये एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। इससे मुराद है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर गाबा रिलीज होगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर इनहिबिशन काज करेगा, आपके दिमाग को नॉर्मल से डिप्रेस करेगा। क्योंकि ये इनहिबिशन काज करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा गाबा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर उतनी ही ज़्यादा डिप्रेशन होगी। इसी तरह से बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा ग्लूटामेट पैदा होगा तो क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है लिहाजा आपकी बॉडी के अंदर उतनी ही एक्साइटमेंट पैदा होगी और आप एंगजाइटी की पोजीशन में चले जाएंगे। इनहिबिशन में एक और न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो ज़्यादा मेडिसिन जिन पे इफेक्ट करती हैं, वो गाबा ही होता है। इसके अलावा कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी एक ही वक्त में होते हैं, जैसा कि डोपामीन। डोपामीन आपका एक ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको आपने ANS में भी पढ़ा था और इसको आप CNS में भी पढ़ेंगे। डोपामीन एज अ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर भी काम करता है और एज अ इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर भी काम करता है।
एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये उस वक्त काम करता है जब ये कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और इनहिबिटरी भी ये तब काम करता है जब ये किसी दूसरे स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करता है। अगर हम डोपामीन के रिसेप्टर्स देखें तो डोपामीन के बॉडी के अंदर बेसिकली 5 रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं D1, D2, D3, D4 और D5। इसमें से अगर डोपामीन D1 और D5 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो ये आपके ब्रेन के अंदर एक्साइटेशन काज करेगा, ठीक है। यानी जब डोपामीन रिलीज होगा और ये D1 रिसेप्टर से या D5 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ब्रेन के अंदर एक्साइटेशन काज करेगा और आपको एंगजाइटी की पोजीशन में लेके जाएगा। अगर डोपामीन D2, D3 या D4 में से किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये आपके ब्रेन के अंदर इनहिबिशन काज करेगा और आपको डिप्रेशन की पोजीशन में लेके जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डोपामीन एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है। इसका एक्शन डिपेंड करता है कि ये किस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा हमने CNS पढ़ा जनाब, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने देख लिए, डोपामीन एक इजाफी तौर पर हमने एक टॉपिक थोड़ा सा देखा। उसके बाद हमने आज के लेक्चर में सिर्फ जनरल सा ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती हैं, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती हैं और वो CNS से रिलेट करती हैं। आपकी बुक के अंदर कुछ डिजीज़ेस जो हैं वो मेंशन हैं, जिसमें से पहली डिजीज़ जो मेंशन है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ या न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स भी इसको आप कहते हैं, ठीक है जी। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ से क्या मुराद है या डिसऑर्डर से क्या मुराद है? एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके ब्रेन के कुछ खास हिस्सों की डेथ हो जाती है, इनको आप कहते हैं न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़। इसमें आपके पास वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, जैसे कि हंगटन डिजीज़ आती है, पार्किंसोनिज्म डिजीज़ आती है, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक बीमारी मेंशन है जिसको हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं। अगले लेक्चर में हम इस डिज़ीज़ को मुकम्मल डिस्कस करेंगे, इससे क्या क्या मसले होते हैं बॉडी में वो देखेंगे और इसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो बीमारी होती है आपकी जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, उसको आप कहते हैं एंगजाइटी, ठीक है। सो एंगजाइटी को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, इनको हम कहते हैं एनेक्सियोलिटिक। लिटिक मीन तोड़ने वाली, एनेक्सियो मीन एंगजाइटी को, एंड हिप्नोटिक। हिप्नोटिक से मुराद है वो दवाइयाँ जो कि नींद पैदा करती हैं, ठीक है, उनको आप कहते हैं हिप्नोटिक्स। इसका भी पूरा एक चैप्टर है आपके बुक के अंदर। सो ये बेसिकली चैप्टर्स के नाम हैं, इन चैप्टर्स को हम CNS के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो परेशानी को ख़त्म करेगी, आपको सुकून देगी, उसको आप एनेक्सियोलिटिक कहेंगे, और साथ साथ वो आपको नींद भी पैदा करेगी। तो नींद पैदा करने के अमल को आप कहते हैं हिप्नोटिक, यानी कि नींद में लेकर जाना। तीसरी जो बीमारी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, उनको आप कहते हैं ऐसी दवाइयाँ जो कि आपके CNS को स्टिमुलेट करती हैं, इनको आप CNS स्टिमुलेंट कहते हैं। ये पेशेंट को हम कब देते हैं? जब पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में है। सो उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए जो मेडिसिन हम उसको देते हैं, उसको हम CNS स्टिमुलेंट कहते हैं। इसका भी पूरा चैप्टर आपकी बुक के अंदर मेंशन है। इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी है आपकी बुक के अंदर, उनको हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी मीन अगेंस्ट, डिप्रेशन मीन डिप्रेशन से। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, यानी कि उसका ब्रेन जो है वो कम काम कर रहा है, वो जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सुकून में है, तो ऐसे पेशेंट को नॉर्मल की तरफ लाने के लिए जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, उनको आप एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। इसका भी पूरा चैप्टर जो है वो बुक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आखिरी जो ड्रग आपकी बुक के अंदर मेंशन है, उनको आप कहते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं एंटी साइकोटिक मेडिसिंस, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस कौन सी मेडिकेशंस होती हैं? ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आप पागलपन के जो मरीज़ होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो पागलपन के मरीज़ होते हैं उनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हुआ हुआ होता है। वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं या किसी और पेशेंट को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो इनको हम कहते हैं साइको पेशेंट। ये एंगजाइटी की कंडीशन में होते हैं, इनका दिमाग नॉर्मल से ऊपर की तरफ काम कर रहा होता है। सो इन पेशेंट्स को या साइको पेशेंट को या पागलपन के जो मरीज़ होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, उनको आप एंटी साइकोटिक कहते हैं।
ये मेडिसिन बेसिकली काम क्या करती हैं कि ये आपकी ब्रेन के अंदर मौजूद कन्फ्यूजन को और एजिटेशन यानी कि गुस्से को कम करने का काम करती हैं। सो हम लिख सकते हैं कि ये मेडिसिन रिड्यूस करती हैं कन्फ्यूजन को एंड एजिटेशन को, यानी कि जो गुस्सा होता है उसको रिड्यूस करती हैं और आपके ब्रेन को नॉर्मल की तरफ लेकर आती हैं। सो न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ की अगर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि डेथ ऑफ सर्टेन ब्रेन पार्ट्स, यानी कि डेथ ऑफ ब्रेन पार्ट्स, अगर दिमाग के कुछ हिस्सों की डेथ होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से होने वाली जो बीमारी होती है उसको आप न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। सो ये आज का एक टॉपिक था, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है आपकी बुक की कोई पहली 5-6 लाइनें हैं जिसको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। जस्ट इंट्रोडक्शन था, आपको बताना था कि CNS बेसिकली किस तरह से काम करता है और इसके अंदर आप कौन कौन से चैप्टर्स देखेंगे। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पार्किंसोनिज्म को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।